कोरोना हो या ना हो लेकिन डेंगू मलेरिया जरूर होगा। जी हाँ, मौजूद हैं हजियापुर एरिया में। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नालियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नालियाँ खुद बयां कर रही हैं कि डेंगू आ जाओ, मलेरिया आ जाओ। ऐसा करके आप देख भी सकते हैं चारों तरफ की, ये एक हम गली का हाल दिखा रहे हैं। हालांकि पूरे हजियापुर में आप कहीं भी किसी भी गली में निकलेंगे तो आपको हाल यही मिलेगा। आप देख भी सकते हैं कि हमारा कैमरामैन लगातार आपको नालियों की जो हालत है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यही नहीं, हम आपको और भी आगे ले चलेंगे तो आप उसका जानेंगे हाल कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। ना ही तो कोई नगर निगम से सैनिटाइज कराने के लिए आता है, ना ही कोई मच्छर का छिड़काव होता है, ना ही कोई यहाँ पर हालचाल लेने आता है। अगर ये लोग जाते भी हैं अपने सभासद के पास तो सभासद कहता है कि हम भेज देंगे। भेजेंगे कब इसका कोई पता नहीं। आइए हम बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं, देखते हैं जरा और भी हाल दिखाते हैं। देखिए जैसे ही अमृत विचार की टीम यहाँ पर पहुंची, क्षेत्रवासी जरूर बाहर निकल आए लेकिन जब भी हमने इनसे बात किया, जब हमने अभी तक कुछ पूछा तो साफ तौर पर कहना था सिर्फ मायूसी मायूसी मायूसी। लोग खड़े हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, यहाँ पे कोई नगर निगम का आदमी आता सफाई वफाई करने के लिए? नहीं आता है। देखिए नहीं आता है, साफ तौर पर कहना है नहीं आता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही इस हजियापुर में नगर निगम की ओर से क्यों? माता जी क्या नाम है तुम्हारा? माता जी यहाँ कोई आता सफाई वफाई करने? कोई नहीं आता है। सभासद को आप लोग कहते हो? नहीं सुनते हैं। देखिए साफ तौर पे कहना है कि सभासद से भी कहते हैं, यहाँ तक कि कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता है। जी हाँ, ये गलियां साफ बयां कर रही हैं कि वाकई में कोई नहीं आता है। अगर कोई आता होता तो ये कंडीशन ना होता। आप देख भी सकते हैं कि लगातार इतनी लंबी गली में हम, ये हजियापुर का मात्र एक गली हमने आपको दिखाया, ऐसी सैकड़ों गलियां इस क्षेत्र में हैं जहां पर आप देखेंगे तो लगातार इस गंदगी से नालियां कीड़े बचबचा रहे हैं लेकिन सफाई करने के लिए अगर किसी से कहो तो वो नहीं आता है। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है माता जी? रियाना। कोई यहाँ पे आता सफाई वफाई करने के लिए? कभी नहीं आया? ना, 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 कभी गए हो आप लोग कहने किसी से? कहने भी गए तो कोई फायदा नहीं था। क्या नाम है चाचा? शमशाद अहमद। शमशाद अहमद, कोई आता नहीं है यहाँ सफाई वफाई? कोई नहीं आया। सभासद आता मुआयना करना? लाइट नहीं लगा सकता हमारे खम्भे। अच्छा, झाड़ू वाड़ू को कुछ नहीं आता? झाड़ू वाला भी नहीं, कुछ नहीं। टंकी हुआ तक आई है, बस वहाँ यहाँ नहीं आई अभी तक। अच्छा, छिड़काव हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ, एक दिन आया था गाड़ी लेके, छिड़काव करा था बस खाली। अच्छा, बस और कोई भी कभी नहीं आया इससे पहले? कभी नहीं आया ना। एक दिन आया था, खाना पूर्ति करके चला गया, दोबारा नहीं दिखा। देखिए यही हाल अगर रहा तो कहीं ना कहीं कोरोना की तो बात हम दूर रखेंगे, कोरोना हो या ना हो लेकिन संक्रमण जो इस टाइम गर्मियों में होता है वो जरूर होगा, कहीं मलेरिया हैजा इस तरीके। आप देख सकते हैं, ये देखिए हम आपको साफ तौर पर गंदगी का जो आलम है वो आप हमारे कैमरे की नज़र में साफ तौर पर दिख रहे होंगे कि किस तरीके की गंदगी। एक इतना बहुत बड़ा मोहल्ला है, ये हजियापुर सबसे बड़ा मोहल्ला का बताया जाता है, बरेली का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। उसके एक गली में हम यहाँ आए हैं और एक गली की हम आपको कंडीशन दिखा रहे हैं। एक गली की अगर कंडीशन ये है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी गलियों की कंडीशन क्या होगी। क्षेत्रवासी अगर हम उनसे बात करते हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि नहीं, यहाँ भैया कोई नहीं आता है। भैया यहाँ कोई आता सफाई वफाई करने के लिए? कोई नहीं आता सर यहाँ पर। कभी नहीं आता? कभी नहीं आया सर। अच्छा, नगर निगम में ही आता है जगह? नगर निगम में आती है ये जगह? हाँ। यहाँ में कोई नहीं आया सफाई करने वाले? जगह तो नगर निगम में आती है लेकिन नगर निगम के आदमी नहीं आते हैं। पानी है। और भी देख, आप देख सकते हैं एक निजी प्लाट है यहाँ पर, जबकि साफ तौर पे बताया गया है, ऊपर से आदेश भी है कि निजी प्लाट आपको खाली नहीं रखना है, खाली प्लाट में आपको पेड़ लगाना है या किसी तरीके का कोई भी गतिविधि ऐसी करनी है जिससे कि कूड़ा इकट्ठा ना हो। लेकिन इस निजी प्लाट में आप लगातार आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से गंदगी जो है यहाँ पर दर्शा रही है, मच्छरों को और बीमारियों को दावत दे रही है। लोग और भी हमारे साथ, चाचा क्या नाम है? मोहम्मद हामिद। चाचा कब से यहाँ रह रहे हो? मुझे हो गया साहब यहाँ पे कम से कम 15 साल। 15 साल से ऐसे ही रह रहे हो? जी ऐसी ऐसी, ये गंदगी और ये बच्चे हैं, गरीबी आ रहा है, पानी आ रहा है। भैया तुम्हारा? मोहम्मद शादी हुसैन। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे करीब 10 साल हो गई। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन रहता है यहाँ पे? ये अब तो आप आए सूखे में, जब भरवा होता है यहाँ पानी तो आप भी नहीं घुस सकते, यहाँ बच्चे डूब गए और हमारे ऊंचा मतलब पानी यहाँ पे भर जाता है।
क्या कोई आता नहीं है आपको? कोई यहाँ पे आज तक कोई सफाईदार कोई आए नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं हुई आज तक। ये सब पूरी मतलब पूरी गली ये सब गरीब हो गरीबी है। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। वोटर हैं आप लोग? वोटर हैं, सब कुछ है हमारा, लिस्ट में नाम है, हर कुछ है, मतलब पहचान पत्र आधार कार्ड सब कुछ है। तो शिकायत करने जाते हैं तो क्या मिलता है? शिकायत करने गए आज तक कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। देखिए जनता है, वोट भी देते हैं ये, और क्या नाम है, वोट देने के बाद जब कहने जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो नगर निगम की तरफ से एक बहुत बड़ी जो ढील कही जाएगी, एक बीमारी की दावत कही जाएगी कि यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो गंदगी थी उसमें कहीं ना कहीं जो ये कोरोना से तो बीमारी हो या ना हो लेकिन मच्छर मलेरिया से डेंगू और हैजा जरूर हो जाएगा यहाँ पर। हम और भी दिखाएंगे एक आध गलियों का हाल आपको, देखिएगा किस तरीके से कूड़े का जो जमावाड़ा लगा हुआ है नगर निगम की जमीन पे, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, परेशान हैं, बयां कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।